हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान राज्य में स्थित सवाई माधोपुर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सवाई माधोपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक सवाई माधोपुर जिला के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान के पूर्व से दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से मिलती है। सवाई माधोपुर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस सवाई माधोपुर शहर में मौजूद है और यह जिला भरतपुर मंडल के अंतर्गत आता है। सवाई माधोपुर जिला का गठन सन 1763 ईस्वी में महाराजा सवाई माधो सिंह के द्वारा की गई थी। सवाई माधोपुर जिला के पड़ोसी जिले का नाम टोंक जिला, करौली जिला, दौसा जिला, कोटा जिला और जयपुर जिला है। सवाई माधोपुर जिला में 7 तहसील, 3 उप तहसील, 17 डिग्री कॉलेज, 15 सरकारी अस्पताल, 1 मेडिकल कॉलेज, 5 पंचायत समिति, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा और 818 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो सवाई माधोपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार इस ज़िला की कुल आबादी 13,35,000 है। इस 13,35,000 में पुरुषों की कुल आबादी 7,04,000 और महिला की कुल आबादी 6,31,000 है। सवाई माधोपुर ज़िले का औसत लिंगानुपात 899 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 899 महिला हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम चंबल नदी व गंभीर नदी है। गंभीर नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 162 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 375 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से यहां के लोग राजस्थान के और भी कई शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 116 गुजरती है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला के साथ साथ जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो सवाई माधोपुर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम सवाई माधोपुर जंक्शन है। इस जंक्शन में 4 प्लेटफॉर्म तथा 6 पटरी शामिल है। इसका स्टेशन कोड SWM है और यह रेलवे जंक्शन न्यू दिल्ली मुंबई लाइन जयपुर लाइन पर स्थित है और यह रेलवे जंक्शन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के कोटा डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला की साक्षरता दर 65% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 65% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: गवर्नमेंट ITI कॉलेज, ठाकुर मदन सिंह कॉलेज, जमुई TT कॉलेज, राधा कृष्णन TT कॉलेज, आदर्श पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम इस प्रकार हैं: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर किला, भगतेश्वर कुंड, पदम तालाब, जोगी महल, राजीव गांधी म्यूजियम, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला के मुख्य अस्पताल के नाम जीवन सर्जरी हॉस्पिटल, डॉक्टर राम सिंह सर्जरी हॉस्पिटल, ज्योति नर्सिंग होम, विश्वास हॉस्पिटल, गर्ग हॉस्पिटल, आचार्य मेमोरियल हॉस्पिटल इस ज़िले के मुख्य अस्पताल हैं। दोस्तों, सवाई माधोपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है
हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।